तो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल बैक टू द पोस्ट डीवीएस यूट्यूब चैनल। आज रेशन प्रोपोर्शन की सेकंड क्लास है और बचे हुए सारे सब टॉपिक्स रेशन प्रोपोर्शन के जो एफकेट में आते हैं उन सभी को आज हम कवर कर लेंगे। डायरेक्टली सीधे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। तो इफ बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ अ टिकट इन द रेशियो ऑफ 8:11 द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉल इन द रेशियो ऑफ 23:21 देन व्हाट इज द इंक्रीज इन रुपीज इन द रेवेन्यू ऑफ बिफोर इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ टिकट वाज इतना। ठीक है, इंक्रीज इन रेवेन्यू पूछ रहा है। पहले का रेवेन्यू ये दिया हुआ है हमको 36,800। इंक्रीजिंग से पहले रेवेन्यू इतना आता था, प्रेजेंट में रेवेन्यू कुछ बढ़ गया है, वो रेवेन्यू पूछा है। टिकट का कॉस्ट जो है ये चेंज हुआ और बिक्री जो टिकट की होती थी उसमें ये चेंज हुआ। तो प्राइस में कैसे चेंज हुआ है, 8 से 11, पहले 8 यूनिट प्राइस था तो आज 11 रुपये प्राइस है। नंबर ऑफ टिकट्स में क्या चेंज आया है, 23 से कितनी हो गई है, 21। तो रेवेन्यू में क्या चेंज आएगा, रेवेन्यू का रेशियो क्या चेंज होगा, पहले 184 रेवेन्यू आता था, तब रेवेन्यू कितना आएगा, केवल 231। से रेवेन्यू में कितना चेंज आया है, रेवेन्यू में चेंज आया +47 यूनिट्स का। पहले रेवेन्यू कितना था, 184 यूनिट्स, इसी की वैल्यू कितनी दे के रखी हुई है, 36,800 दे रखी है। पूछा क्या है कि इंक्रीजिंग रेवेन्यू, ये जो 47 यूनिट्स है इसी की वैल्यू पूछी है, तो ये जाएगा इससे 2 टाइम्स, तो 200 आ गया। 47 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 47 कर देंगे इसको, 9,400 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है रेवेन्यू में, दैट इज 9,400 रुपीज। ओके, द सम ऑफ एक्स इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सच दैट द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ ए बी 6:7, बी सी 3:2, द डिफरेंस द शेयर ऑफ ए एंड सी इज 540 एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला टाइप है आपका कि कुछ डिफरेंस दिया हुआ। सो ए टू बी शेयर का रेशियो क्या है, 6:7 एंड बी टू सी कितना रेशियो है, 3:2। ठीक है, हमको क्या चाहिए पहले, यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी हमको ये चाहिए होगा, तभी हम आगे का क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इधर भी बी कॉमन है, इधर भी बी कॉमन है, तो दोनों तरफ बी को इक्वल करना पड़ेगा। इधर बी की वैल्यू 7 है, इधर बी की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ गया ये, 18:21, ये कितना आ गया, 21:14। ए इज टू बी इज टू सी कितना आ गया हमारा, 18:21:14। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, द डिफरेंस इफ द डिफरेंस ऑफ द शेयर ऑफ ए एंड सी इज 540। ठीक है, ए और सी के शेयर का डिफरेंस कितना है, 4 यूनिट्स, इसलिए 4 यूनिट्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 540। पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि टोटल रेवेन्यू पूछा है। टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम हो जाएगा, विच विल बी इक्वल्स टू 53 एंड देन 4 एंड 553। तो हमको 53 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ जाएगा हमारा, 540 अपॉन 4 इंटू 53, ये हमारा जाएगा कितने टाइम्स, 135 इंटू 53 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5, देन अगेन 517, 7155। ये क्या है, कितने रुपीज़ थे जिसको डिवाइड किया गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सेम टाइप है, जो भी हमने किया ये सेम टाइप है उसी का। इसको एक बार पॉज करके ट्राई कर लीजिए, देन इसको मैं दोबारा करता हूँ। क्या कह रहा है, मैन ने अपनी प्रॉपर्टी सन को और वाइफ को और डॉटर को बांट दी। सन और वाइफ का जो रेशियो है क्या कह रहा है, कितना है, 5:2 है, और वाइफ और डॉटर का जो रेशियो वो भी सेम है, क्या है, 5:2 है। तो पहले हमको क्या चाहिए होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सन वाइफ और डॉटर का रेशियो, यहाँ पे 5:2 है, यहाँ पे वाइफ की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ पे वाइफ की वैल्यू कितनी, 5 है, दोनों तरफ इक्वल करना पड़ेगा। तो इस साइड हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस साइड हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ गया, 25:10, या आ गया 10:4। तो सन को मिला 25 यूनिट्स ऑफ पैसा, वाइफ को मिला 10 और डॉटर को मिला कितना, 4। अब क्या पूछा है, डॉटर गॉट 29,400 लेस देन द सन, यानी कि सन और डॉटर के बीच का जो अमाउंट है उसका डिफरेंस कितना है, 24,000, 29,400 रुपीज़, और यूनिट्स में कितना डिफरेंस है, 21 यूनिट्स का डिफरेंट है। तो इसी 21 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 29,400। क्या पूछा है, होल प्रॉपर्टी की वैल्यू पूछी है, होल प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी हमारी, 25 + 10, 30, 39, 39 यूनिट्स की वैल्यू पूछी हुई है। हमारा आंसर क्या जाएगा इसका, 1 कितना, 84, 400, 1400 इंटू 39 करेंगे हम लोग, 00,
एंड लास्ट में क्या आएगा, 6600, 6600 लास्ट में इसी के, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 54,600 रुपीज़। ओके, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 2:3 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 5। ओके, नेक्स्ट टाइप है आपका, ये बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्या दिया हुआ है। पहले रेशियो ऑफ इनकम, सो इनकम ऑफ ए टू इनकम ऑफ बी, कितना रेशियो दिया हुआ है, 2:3। ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 5:7। एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना दिया हुआ है, 5:7। आगे क्या दिया हुआ है कि ए इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 6 टाइम्स द एक्सपेंडिचर ऑफ बी। इनकम ऑफ ए ये रही हमारी, एक्सपेंडिचर ऑफ बी ये रहा हमारा, तो इनकम ऑफ ए 7 टाइम्स द इनकम ऑफ ए लिखा है यहाँ पे, 7 टाइम्स द इनकम ऑफ ए, तो यानी कि 7 टाइम्स द इनकम ऑफ ए किसके इक्वल है, वो 6 टाइम्स द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, बी का एक्सपेंडिचर 7 है, तो 6 टाइम्स द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ये कितना आ गया 14, ये कितना आ गया 42। तो 14x की वैल्यू कितनी है, 42, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे इक्वल आ गया, आ जाए, इसको 3 से करेंगे, इस वाले इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब हमारा आ जाएगा कि ये वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। सो इनकम ऑफ ए इज टू इनकम ऑफ बी, इनकम का रेशियो कितना आ जाएगा हमारा, 6:9। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना आ जाएगा हमारा दोनों का, 5:7। सेविंग का रेशियो कितना आ जाएगा, सिंपली इसको माइनस कर देंगे, 1:2। क्या आ गया आंसर हमारा, 1:2। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स से हर क्वेश्चन की है, ठीक है, इनको फॉलो करिए, एग्जाम में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, अगर एफकैट का एग्जाम 2 घंटे का है, 30 मिनट में मैथ्स हो जाएगी। ऑन द होल सर्फेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड टू वाटर इज 3:5, द लैंड एंड द वाटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज 7:9, देन वॉट इज द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अर्थ है, अर्थ पे जो रेशियो है लैंड एंड वाटर का क्या है, 3:5 है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो रेशियो है क्या है, 7:9 है। ठीक है, तो पहले आप इस एग्जाम्पल से समझिए इसको, सपोज एक कोई प्लेटफॉर्म है, ये पूरा 10 kg का है, ठीक है, 10 kg का प्लेटफॉर्म है, इसको मैं हाफ कर दूं तो 5 kg ऊपर रहेगा और 5 kg नीचे रहेगा, किसी से भी बनाओ, किसी भी मटेरियल का रेशियो कुछ भी हो, टोटल 5 kg ऊपर रहेगा, 5 kg क्या रहेगा, नीचे रहेगा, तो इसका मतलब कि ऊपर वाला जो पार्ट है टोटल, ये पूरा जो इसका वेट है इसका हाफ है, यानी कि जो हाफ वेट है ये वाला वेट क्या रहेगा, टोटल वेट का हाफ रहेगा, और नीचे वाला भी टोटल वेट का क्या रहेगा, हाफ रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वाटर पानी का रेशियो है हमारे पास, वो टोटल जो वेट आ रहा है उसका क्या होगा, हाफ होना चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे कितना रहा है, 16 यूनिट्स, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना रहा है, 8 यूनिट्स, इसका डबल होना चाहिए, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 4, ताकि ये डबल हो जाए इसका, तो क्या आ जाएगा हमारा, इसका नया नया रेशियो क्या आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 12:5 क्या था हमारा, ये 3:5, तो 20, 12:20, तो 12:20 है टोटल क्या है, अर्थ का वेट है, 7:9 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में कितना हो जाएगा, 5, इसमें से 7 इधर, तो 5 नीचे हो जाएगा, 10:11, सदर्न हेमिस्फीयर में कितना आ गया हमारा, 5:11। तो क्वेश्चन 10 सेकंड का भी नहीं था, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है इसमें, बस और कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन के डायरेक्ट ट्रिक है, हर टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और सारे क्वेश्चन को इतने ईजिली तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी हैव देयर मंथली इनकम इन द रेशियो ऑफ 8:5 वाइल देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो। देखो पहले मैं आपको इसको एक बार बेसिक से बता देता हूँ, लेकिन करना नहीं है इससे, ठीक है, बेसिक से क्या है कि ए और बी की मंथली इनकम क्या रेशियो है, 8, यह है ए मान लो और यह है बी मान लो, ठीक है, तो इसकी 8 है तो इसकी 5 है, तो मान लेते हैं कि 8x और 5x है, क्या कह रहा है, वाइल देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3, दे हैव सेव्ड 12,000 एंड 10,000 मंथली रिस्पेक्टिवली, तो अगर इनकी मंथली इनकम में से इनकी सेविंग में माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, इनका एक्सपेंडिचर आ जाएगा, इसकी सेविंग कितनी, 12,000, इनकी सेविंग कितनी है, 10,000, इनका क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा, और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो यानी कि ए अपॉन बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है हमको, 5:3, सो ये एक्सपेंडिचर का रेशियो इसके इक्वल आएगा। नाउ अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है,
लेकिन इसी का एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है जो कि आपको माइंड में बैठा लेना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आपको याद रखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये मेथड आप याद कर लीजिए ऐसे, इसको ऐसे याद कर लीजिए। ये वाला फिगर क्या है, मैं फिगर बना दे रहा हूँ, ठीक है, इस फिगर को याद कर लीजिए बस, और कुछ नहीं। और इसको करके देखते हैं, जब भी इनिशियल रेशियो, फाइनल रेशियो और बीच का डिफरेंस दिया हो तो हमेशा हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं जो कि डायरेक्ट शॉर्टकट है। इनिशियल यानी कि इनकम जो थी क्या था, क्या रेशियो इनका 8:5 है। फाइनल यानी कि अगर सेविंग को माइनस कर देंगे तो एक्सपेंडिचर जो है किसका क्या रेशियो है, 5:3 है। और इनकी सेविंग्स कितनी कितनी है, यानी कि डिफरेंस कितना आएगा इसका, 12,000 और 10,000 है ना। कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ जाएगा, बस लिखते जाना मेरे साथ, 25 माइनस, हमेशा माइनस का साइन आएगा, -24 इज इक्वल्स टू, अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है एंड इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है। कितना आ जाएगा, 50,000 -36,100। तो 1 इज इक्वल्स, इसको सॉल्व, 1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 14,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 14,000। हमसे पूछा क्या है, डिफरेंस इन देयर मंथली इनकम, मंथली इनकम का डिफरेंस कितना है, 3 यूनिट्स है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा ये हमारा, 42,000 रुपीज़। तो डिफरेंस इन देयर मंथली इनकम कितना आ गया, 42,000 रुपीज़। सो अगेन इनिशियल दिया हुआ है, फाइनल दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, तो सिर्फ इस मेथड को अप्लाई करना है, बहुत इजीली आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप है ये, इफ नहीं, इन अ स्कूल देयर वर इतने स्टूडेंट्स एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज टू द गर्ल्स वाज 4:3। पहले तो ले लिख लेते हैं स्टूडेंट्स कितने थे, 1, 1, 5, 5, 4। रेशियो कितना है बॉयज और गर्ल्स का, 4:3, टोटल कितने हो गए, 7। इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया, 2, 2, 2। नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, 8, 8, 8, 8 क्या हो गया नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई, 6, 6, 6, ठीक है, ये क्या आ गया, बॉयज और गर्ल्स का नंबर। 30 गर्ल्स ने ज्वाइन कर लिया तो जो रेशियो था कितना से चेंज हो गया, 7:6, कितने बॉयज छोड़ दिए वो पता करना है। तो ठीक है, कितनी गर्ल्स ज्वाइन कर ली, 30 गर्ल्स ज्वाइन कर ली, कितनी हो गई अब, 6:96। रेशियो कितना हो गया अब बॉयज और गर्ल्स का, 7:6, ये रेशियो हो गया। तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा इसको, 116। अब इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 116, कितना आ जाएगा ये, 2 and 4, 8, 1, 812। क्या पूछ रहा है, कितने लड़के छोड़ के चले गए, तो पहले 888 लड़के थे जिसमें से 812 बचे केवल, तो कितने छोड़ के चले गए, 76 बॉयज छोड़ के चले गए। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 76, ऑप्शन नहीं दिया, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 76। नेक्स्ट, अब बैक कंटेंट, ओके नेक्स्ट टाइप, इंपॉर्टेंट टाइप। इस टाइप के क्वेश्चंस हर बार एक ना एक बार दिखे जाते हैं। हर बैग कंटेन 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ 7:8:3 अमाउंटिंग अप टू ₹87, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन्स। सो इजीली कैलकुलेशन के लिए हम इस 87 रुपीज को क्या मान लेते हैं, 8700 पैसा, 8,700 पैसा मान लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करती है ताकि कैलकुलेशन इजी। सो 50 पैसे के कॉइन्स हैं, 25 पैसे के कॉइन्स हैं और 10 पैसे के कॉइन्स हैं, किस रेशियो में, 7:8:3। तो हमारे पास पैसा टोटल कितना यूनिट होना चाहिए, ये हो जाएगा हमारा कितना, 350 + 200 + 30, कितना पैसा आ गया हमारे पास टोटल, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 230 + 350 = 580। सो 580 यूनिट्स पैसा है, और टोटल एक्चुअल में है कितना, 87,000 पैसा है हमारे पास। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15, 1 यूनिट की वैल्यू 15। हमसे क्या पूछा है कि नंबर ऑफ 10 पैसा पॉइंट्स कितने हैं, 3, तो इसको 3 से 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, 45। तो 45 पैसे, 45 क्या है, 10 पैसे के कॉइन्स कितने हैं हमारे पास, 45। इजी क्वेश्चन, ओके। व्हेन अ चिल्ड्रन व्हेन 5 चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास ए ज्वाइन क्लास बी, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन बोथ द क्लास इज सेम, ठीक है, इफ 25 चिल्ड्रन फ्रॉम बी ज्वाइन ए देन नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन बी बिकम्स डबल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन बी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ए बिकम्स डबल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए टू बी, ठीक है। सो ए रेशियो बी निकालना है क्या,
दोनों क्लास में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं। सो पहले हम लेते हैं ए क्लास एंड देन बी लेते हैं। सपोज क्लास ए में एक्स स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि क्लास ए में अगर एक क्लास बी में एक्स स्टूडेंट्स हैं, पांच बच्चे छोड़ के चले गए ए में, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल हो गए, रेशियो क्या आ गया, सेम रेशियो, द चिल्ड्रन बिकम इन बोथ क्लास इज सेम। तो यानी कि क्लास ए में कितने बच्चे आ गए, टोटल एक्स प्लस 10। अगर क्लास बी में एक्स बच्चे हैं तो क्लास ए में कितने हैं, एक्स प्लस 10 है। देखो इसको ऐसे समझो कि सपोज क्लास ए में 25 बच्चे हैं और क्लास बी में कितने, 15 बच्चे हैं। तो अगर क्लास ए से पांच बच्चे मैंने क्लास बी में भेज दिए, तो पांच बच्चे इसमें भी तो घटे, अगर पांच बच्चे इसमें घटे तो ये कितना हो गया, 20 हो गया। अब पांच क्या हो गए, इसमें बढ़ गए, तो ये कितना हो गया, 20 हो गया। सो पांच बच्चे चेंज कर रहे हैं, पांच इसमें घट रहे हैं और पांच इसमें बढ़ रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंस कितने का है, 10 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो वही, तो अगर क्लास ए में क्लास बी में एक्स है तो क्लास ए में कितने, एक्स प्लस 10 बच्चे हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है, इफ 25 चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास बी ज्वाइन क्लास ए, यानी कि अगर इस एक्स में से 25 कम कर देते हैं, किस में चले गए, क्लास ए में चले गए, तो क्लास ए में अगर यहाँ से 25 निकल के क्लास ए में 25 चले गए, तो अब क्लास ए की स्ट्रेंथ कितनी हो गई, एक्स प्लस 35। रेशियो क्या हो गया, डबल हो गया। इसका मतलब कि एक्स प्लस 35 अपॉन एक्स माइनस 25 की वैल्यू क्या है, 2:1 है। यही तो रेशियो आएगा ना ए एस टू बी का। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 35 इज इक्वल टू 2x-50। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इधर ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 85। एक्स इक्वल टू 85 आ गया, तो यानी कि बी क्लास बी में कितने बच्चे हैं, 85, ए में कितने बच्चे आ गए, 95। रेशियो कितना आ गया इन दोनों का, काट देंगे, 19:17। रेशियो कितना आ गया, 19:17, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो आई होप सारे सब टॉपिक्स, हाँ तो सारे सब टॉपिक्स ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन आर कवर्ड नाउ। इस टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एफकेट में आने वाले सभी टाइप ऑफ क्वेश्चन को हमने देख लिया है। अब इसी का एक पार्ट हो जाता है मिक्सचर एलिगेशन एंड आपका पार्टनरशिप, उसको हम अलग अलग क्लासेस में देख लेंगे। पार्टनरशिप नेक्स्ट क्लास में आएगा, हम नेक्स्ट क्लास में पार्टनरशिप देख लेंगे। एंड मेजोरिटी ऑफ द रेशियो प्रोपोर्शन हमने आपका परसेंटेज के थ्रू ही कवर कर लिया था, आपको पता नहीं लगा, लेकिन परसेंटेज को हम पूरा रेशियो से ही सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चंस काफी हद तक सेम रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्टनरशिप इन द नेक्स्ट क्लास। टिल दैट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग, गुड बाय।